नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्टॉक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक नया स्टॉक लेके आया हूं, जो कि यह स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है और इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि पता है, गिरे हुए स्टॉक अगर गिरा हुआ अच्छा स्टॉक है, अगर आप परचेज करते हैं ऐसे स्टॉक में आपको मुनाफा काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो आज की वीडियो में ऐसा ही स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ। स्टॉक का नाम है आइडिया फोर टेक्नोलॉजी। यह डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। आने वाले समय में इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग 35% का रिटर्न दिया हुआ है, माइनस में है, जो कि 35% माइनस में रिटर्न दिया हुआ है। और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी लगभग 35% माइनस में है। 1 महीने की बात करें तो लगभग 10 से 11% माइनस में है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो लगभग 3% प्रॉफिट में है, जो कि इस स्टॉक में आज के दिन में एक मोमेंटम देखने को मिला हुआ है, जो कि आने वाले समय में अच्छा खासा मोमेंटम आपको इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, 3,470 करोड़ का मार्केट कैप है। इस समय 833 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 114 है, जो कि थोड़ा हाई रेट है अभी इसका। आरओसी की बात करें तो 14.7% है। आरओई की बात करें तो 12.5% है। फेस वैल्यू 10 है, जो कि आरओई आरओसी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो अभी इस कंपनी का जो सेल्स चल रहा है 186 करोड़ का सेल चल रहा है, जो कि पिछले सेल्स आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला हुआ है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछला जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो माइनस में थी कंपनी, प्रॉफिट जो भी कर रही थी माइनस में थे। अभी इस समय कंपनी का जो प्रॉफिट है 32 करोड़ प्रॉफिट चल रहा है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के रिजर्व की बात करें, 303 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और 101 करोड़ का डेप्थ है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें, 30.19% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, 2.76% FIIs की होल्डिंग है, 10.15% DIIs की होल्डिंग है, 56.90% पब्लिक की होल्डिंग है। थोड़ा आपको होल्डिंग देखने को कम मिलेगी प्रोमोटर्स की, लेकिन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा प्रोमोटर की जो होल्डिंग है उनमें आपको इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक ये हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी नए स्टॉक में।